Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which yesterday we have discussed about the powers of the Bar Council of India, in which we have discussed the very first power of the Bar Council of India, that is the admission and transfer of the advocates. So, in the continuance of the last day's topic, this is the here I would like to mention that whenever the Bar Council of India has the power of the transfer of the advocate from one state list to another state list, the Bar Council of India also has the power to reject the application of transfer of an advocate on the ground of if there is an disciplinary proceedings is pending against him, right? Or whatever, whenever the application was made for the malafide intention. तो देखिए यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके पास बहुत ही वाइड पावर्स यहाँ पर उन्हें दी गई हैं. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर चाहे तो किसी अधिवक्ता ने जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई है कि उसका नाम एक स्टेट लिस्ट रोल से निकाल करके दूसरे में मेंशन किया जाए तो उसे रोक सकती है, उसे खारिज कर सकती है. ग्राउंड क्या क्या है? पहला ग्राउंड है कि उन अधिवक्ता के अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सुनवाई का प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए. उन्हें सुनने के बाद ही यदि बार काउंसिल को लगता है कि ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है. इन द फर्दर इट हैज़ बीन मेड क्लियर दैट व्हेन वेयर on an application made by an advocate under this section, his name is transferred from the role of one state bar council to that another of bar council, he shall retain the same seniority in the latter role to which he was entitled in the former role. ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है किसी अधिवक्ता की एप्लीकेशन पर उसका ट्रांसफ़र जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि उसकी सीनियोरिटी अफेक्ट नहीं होगी. जिस सीरियल नंबर पर उसका नाम यहाँ था उसी नंबर पर उसका नाम वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, उसकी सीनियोरिटी पर अफेक्ट नहीं होगा. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दैट गिव्स द पावर टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू एक्सरसाइज हिज पावर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेकेंड पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विच स्पीक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी एंड स्टाफ मेंबर्स. So what it stands for, Section 9 of the Advocate Act empowers the Bar Council of India to appoint disciplinary committees. It shall constitute one or more disciplinary committees, each which shall consist of 3 persons, of whom 2 shall be persons elected by the council from amongst its members, and the other shall be person co-opted by the council from amongst advocates who possesses the qualifications specified in the provisions to subsection 2 of section 3 of the act and who are not member of the council, and the senior most advocates amongst the member of a disciplinary committee shall be the chairman there. देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि सेक्शन 9 एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 9 ये एम्पावर करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो जो है वो अनुशासनात्मक समिति का गठन कर सकती है. आगे बताया गया है कि इट शेल कंसिस्ट ऑफ 1 or 3 डिसिप्लिनरी कमिटीज ईच. ठीक है, एक या एक से अधिक यानी कि डिसिप्लिनरी कमिटी का गठन किया जा सकता है, और प्रत्येक डिसिप्लिनरी कमेटी में जो है वो कम से कम 3 मेंबर होंगे, जिनमें से 2 मेंबर जो होंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स के मेंबर्स होंगे, और उन दोनों की सलाह पर जो बार काउंसिल जो अधिवक्ता वहाँ पर नॉमिनेटेड नहीं है, राइट,
shall be person co-opted by the council from amongst advocates who possesses the qualifications. इसके अलावा एक और व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिफिकेशंस होल्ड करता है, ठीक है. और इन तीनों में से जो सीनियर मोस्ट होगा उसे कमेटी का, डिसिप्लिनरी कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया जाएगा. राइट, गॉट इट. सेक्शन 9 है ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट एम्पावर्स अ बार काउंसिल टू अपॉइंट और मोर लीगल एड कमिटीज, ठीक है. सेक्शन 9A बताता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये शक्ति देता है कि वो एक या एक से अधिक लीगल एड कमिटीज को भी इस्टेब्लिश कर सकती है, स्थापना कर सकती है. ईच कमिटी शैल कन्वर्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो लीगल एड जो कमेटी होगी उसमें अधिक से अधिक जो है वो 9 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 सदस्य होना ज़रूरी है. ये इसकी लिमिटेशंस हैं, आपको याद रखनी चाहिए कि लीगल एड कमेटी में मिनिमम 5 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम जो हैं वो 9 हो सकते हैं. द क्वालिफिकेशन, द मेथड्स ऑफ सेलेक्शन एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस द मेंबर्स ऑफ सच कमिटी शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब. इनका क्वालिफिकेशन, इनके ऑफिस का टेन्योर टर्म क्या होगा, कितने समय तक ये कार्य करेंगे, ये सब जो है वो कमेटी डिसाइड करेगी. और जो कुछ भी प्रेस और ये सब जो है वो प्रेस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, ठीक है. सेक्शन 10 क्लोज 1 मेक्स प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी बाय अब स्टेट बार काउंसिल्स. देखिए सेक्शन 10 क्लोज 1 यहाँ पे हमें बात करता है कि स्टेट बार काउंसिल्स जो हैं वो स्टैंडिंग कमिटीज का गठन कर सकेंगी. बिसाइड सेक्शन 10 क्लोज 2 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट रिक्वायर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग कमिटीज, ठीक है. ये प्रोविज़न क्या है, सेक्शन 10(1) स्टेट बार काउंसिल को ऑथोराइज करता है स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए, सेक्शन 10 क्लोज 1 सॉरी. और सेक्शन 10 क्लोज 2 जो है वो इंडियन बार काउंसिल को ऑथोराइज करता है स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाने के लिए. तो आज हमने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अधिवक्ता की एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, उसे किस प्रकार खारिज कर सकती है, ठीक है. उसके अलावा भी हमने ये पढ़ा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ट्रांसफ़र करती है अधिवक्ताओं के, उससे उनके किसी भी राइट का राइट में कमी नहीं आती, उनकी पोजीशन सेम एज बनी रहती है जो उनकी पहले वाले स्टेट में थी, उसी रैंक पर उनका दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है. इसके अलावा आज हमने पढ़ा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किस प्रकार से अपने स्टाफ मेंबर्स में से डिसिप्लिनरी कमिटीज़ का गठन करती है और जो मेंबर्स होती हैं उनमें से किस प्रकार अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है. इसके अलावा हमने पढ़ा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किस तरीके से लीगल एड कमिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करती है, ठीक है. उसके अंदर कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने होने चाहिए. इसके अलावा आज हमने पढ़ा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैंडिंग कमिटी गठित करने की भी पावर दी गई है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा. तो थैंक यू सो मच, होप आपको टॉपिक जो है आज का हमारा समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.